नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने 3 साल पूरे कर लिए। इस सरकार के गठन के बाद ही आयुष मंत्रालय का अलग से गठन हुआ था, जिसका मकसद था कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना और दूसरा मकसद था कि लोग निरोग रहें, स्वस्थ रहें। क्या 3 साल में इस मंत्रालय ने क्या कुछ प्रगति की है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं आयुष मंत्री श्रीपद यसो नायक जी। पिछले 3 साल में सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं आयुष मंत्रालय की तरफ से, क्या उपलब्धियां रही हैं, क्या जनता को सीधे आपके जो मंत्रालय में कार्य हुए उसको फायदा हुआ है? मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने सत्ता में आने के 6 महीने के भीतर आयुष मंत्रालय की अलग स्थापना कर दी, आयुष मंत्रालय अलग करवा दिया हेल्थ से, और इसके बाद में जो हमारी प्रगति, इस मंत्रालय की प्रगति जो हो रही है 2.5 साल में, बहुत कुछ हुआ है। सबसे पहले आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूनो में जो रेजोल्यूशन योगा का डाला और ये 177 कंट्री ने उसको सपोर्ट किया, और आज अभी 3रा साल है कि इंटरनेशनल योगा डे आज पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में चल रहा है। योगा ये हमारे जो आयुष मंत्रालय का एक हमारी चिकित्सा पद्धति है, और इसीलिए आज योगा पूरे दुनिया में छा गया है। इसी के तरह जो बाकी जो हमारी पैथीज है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन वाली जो पैथीज है, उसका भी अभी प्रमोशन होते जा रहा है। जो लोग आयुष का या आयुर्वेदा का, होम्योपैथी का कोई नाम भी नहीं लेता था, लेकिन ये 2-2.5 साल के बाद आज हमारा मंत्रालय सभी देश के सभी राज्यों में, सभी तहसील में पहुंचा हुआ है, और इंटरनेशनली भी कई कॉन्फ्रेंस उसके बारे में हो रही है, और इतनी जन जागृति पूरे दुनिया में हो रही है, और इसलिए जो इसको और फैलाने के लिए हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इसके और हमने शुरुआत की है। कहीं रिसर्च काउंसिल हमने स्थापित किए है, कई एम्स इन आयुर्वेदा, आप तो जानते हैं कि सरिता विहार में हमने पहला आयुष में एम्स शुरू किया हुआ है, और इसको बढ़ावा देने के लिए हम चाहते हैं कि हर राज्य के हर जिले में एक कम से कम आयुष हॉस्पिटल वहाँ हो, 50 बेड का हॉस्पिटल हो। योग को बढ़ावा देने के लिए बचपन से लोग योग सीखें, बच्चे सीखें, ताकि उनको एक प्रैक्टिस भी रहे और अभ्यास भी रहे, तो उसको लेकर के क्या कोई स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात हो रही है, क्या किया जा रहा है? इंटरनेशनल योगा डे जैसा अभी 2 हो गए, 3रा अभी 21 जून को है, और ये होने के बाद आज पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसकी डिमांड आ रही है, और योग सभी रोगों के ऊपर इलाज पाने के लिए योग एक अच्छा कार्य कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है, और इसलिए योग का अंतर्भाव सभी स्कूलों में करें, ऐसा प्रपोजल हमने HRD मिनिस्टर को दिया हुआ है, और हम प्रयास कर रहे हैं कि स्कूलों में हो। अभी तक जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ ये योगा का कोर्स अभी चल रहा है, योगा सबके लिए हो गया है, सबके लिए अपने उसको कंपलसरी किया हुआ है, लेकिन स्कूल में जो है, जो स्कूल में जो HRD मिनिस्ट्री CBSE के द्वारा ये तय कर रही है, ये कंपलसरी करे या ऑप्शनल रखे, कोई डेडलाइन वगैरह या कोई टाइम ऐसा फिक्स हुआ है कि हाँ इतने समय में हो जाए? डेडलाइन है, जल्दी से जल्दी ये करने के लिए हमारी मांग है, और उसका काम भी अच्छी तरह चल रहा है। कैंसर, डायबिटीज और दिल की बीमारी में योग का कितना फायदा हो रहा है, इसको लेकर क्या कोई रिसर्च हो रहा है? जरूर इसके ऊपर आप तो जानते हैं कि जो लास्ट हमने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो हुआ, वो कार्यक्रम चंडीगढ़ में हुआ था, और ख़ास करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो पूरा साल जो है योगा के लिए, योगा वो साल डायबिटीज के लिए वो डेडिकेट किया हुआ था, कि इसमें सभी पूरे इसमें देश में जाके जो डायबिटीज़ कम करने के लिए योगा का उपयोग करें, इसलिए इसके ऊपर रिसर्च भी हुई, पूरे जिलों का इसका स्क्रीनिंग भी हुआ, लोगों को अपनी लाइफस्टाइल बदलने के लिए भी इस कार्यक्रम के द्वारा हम पहुंच गए, पूरे राज्यों में पहुंच गए, और बहुत सा फ़ायदा लोगों को हुआ।
एक हमने प्रोग्राम भी इसी तरह का लिया था कि हेल्थ मिनिस्ट्री और आयुष मंत्रालय दोनों मिलके कि सभी पैथी जो इकट्ठा करके हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर उसके जरिए पूरे गांव को स्क्रीनिंग करें, और जब पहली स्टेज पर डायबिटीज़ या कैंसर मिलता है तो इसका इलाज आसान होता है। और इसीलिए हमने 10 जिले लिए थे, 10 जिले हमारे अभी काम शुरू है, और वहाँ हमने इस तरह का प्रयास किया हुआ है कि पहले ही कुछ डिटेक्ट हो, लोगों को लाइफ स्टाइल के बारे में हम बता सके, और जो डायबिटीज़ की संभावना है, बाकी रोगों की संभावना है, ये प्रिवेंटिव तरीके से हम उसको प्रिवेंट कर सके, ये कार्यक्रम चल रहा है। कैंसर पेशेंट को कुछ रिलीफ, कम से कम 50-60% रिलीफ मिले, जो केमोथेरेपी देते हैं उसके बाद में जो तकलीफ होती है, इसके लिए आयुर्वेदा में अब मेडिसिन निकाला हुआ है, और मुझे आशा है कि कहीं वक्त के बाद हम ये भी हासिल कर पाएंगे कि पूरी दवा आयुर्वेदा कैंसर के लिए पूरी दवा भी हम तैयार कर पाएंगे। योग के जो प्रशिक्षक है उनका अभाव है, हर कोई आदमी ट्रेनिंग देने लगता है, चाहे आप पार्कों में जाएं या कहीं जाएं, क्या इनको सर्टिफिकेट के लिए इस तरह के कोई कार्यक्रम? हमने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को हमने साथ में लेके उनको एक अधिकार दिया है कि आप कहीं भी योगा पढ़िए, सीखिए, कहीं भी सीखिए, लेकिन यदि आप रिकॉग्नाइज राष्ट्रीय सरकार से, आप सेंट्रल गवर्नमेंट से आप रिकॉग्नाइज इसी से होगा जब आप उसी से सर्टिफिकेट पा लेंगे। ऐसे चार तरह के हमने सर्टिफिकेशन वहाँ इशू करने के लिए क्यूशिया कर रहा है, और अच्छा रिस्पांस है। अब तक मेरे ख्याल से 5,000 के आसपास लोगों ने सर्टिफिकेट लिया हुआ है। जापान से लोग आए इस सर्टिफिकेशन के, उन्होंने भी ये सर्टिफिकेट यहाँ हासिल किए, ताकि एक सेंट्रलाइजेशन आ जाए, आप कहीं भी सीखे, लेकिन यहाँ एग्जाम यदि पास होगा तो आप योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, योगा टीचर बन सकते हैं, योगा गुरु बन सकते हैं। इस बार योग दिवस कहाँ मनाया जा रहा है, उसकी थीम क्या, क्या खासियत है? तीसरा जो योगा डे हो रहा है वो लखनऊ में हो रहा है, जो रमाबाई अंबेडकर पार्क जो है, एक अच्छी व्यवस्था वहाँ थी, और इस तीसरा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वो वहाँ होगा, उसमें से माननीय प्रधानमंत्री जी का सहभाग उसमें होगा, वो वहाँ प्रेजेंट रहेंगे, उपस्थित रहेंगे, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर उसमें रहेंगे, और कहीं योगा गुरु उसमें रहेंगे, और 51,000 लोग, इसकी कैपेसिटी उतनी है, 51,000 लोग वहाँ योगा करेंगे, और आसपास से यूपी लखनऊ में जो आसपास के गार्डन है वहाँ भी उसकी व्यवस्था की है, जो यहाँ एकोमोडेट नहीं होंगे तो उसी पार्क में उसको हम जगह दे देंगे, और वहीं 8-10 जगह रमाबाई अम्बेडकर पार्क छोड़ के वहीं भी कार्यक्रम हो जाएगा, और जोर शोर से तैयारी शुरू है। कोई आसन नए जोड़ रहे हैं इस बार भी? आसन कुछ नया कुछ जोड़ा नहीं है, और खाली एक 10 मिनट का टाइम हमने इसको 35 मिनट्स था वो 45 मिनट्स किया हुआ है। आयुष मिशन की बात हुई थी, आयुष मिशन इसलिए उसका मकसद था कि जो गांव पे या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पताल तक सब कुछ सुविधा, बुनियादी सुविधा भी हो और डॉक्टर्स भी हो, कितना कामयाब हुआ है, कितने अस्पताल खुले हैं? बहुत फायदा हुआ है, जैसा मैंने कहा कि कम से कम 100 हमने आयुष मिशन के जरिए, जब लोग आयुष मांगेंगे उसको पता तो होना चाहिए, कम से फैसिलिटी तो हम बोलेंगे हम आयुष का ट्रीटमेंट ले लो, आयुषपैथी का ट्रीटमेंट ले लो, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ तैयार होना पड़ेगा ना। आयुष डॉक्टरों की बेहद कमी है, इसको दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सचमुच में मैं बता सकूँ कि आयुष डॉक्टर की कमी नहीं है, कम से कम 7 लाख डॉक्टर हमारे देश में आयुर्वेदा के हैं, कम से कम 4 लाख डॉक्टर होम्योपैथी के हैं ऐसा मुझे लगता है, और बाकी जो पैथी है उसमें से है, लेकिन ठीक तरह से यदि हम, और हर साल में कम से कम 3-4 हज़ार डॉक्टर आयुर्वेदा के, आयुष के अब निकल रहे हैं, लेकिन जब हॉस्पिटल बनेंगे तभी ये डॉक्टरों को काम भी मिलेगा, और जब जॉब सिक्योरिटी होगी तभी और लोग आयुष पद्धति में और जुड़ेंगे, और संख्या ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। हमने कॉलेजों को भी संख्या बढ़ाई है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की भी संख्या बढ़ाई, ताकि फैकल्टी प्रोफेसर उनमें से मिले, ये हमारी तैयारी अभी शुरू है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मंत्री जी से बातचीत जारी रहेगी। झाड़ी के पीछे, पेड़ के नीचे, तालाब के आजू, पटरी के बाजू, करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नलका, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर, अरे इसीलिए बॉस शट द डोर। मतलब दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, तो बीमारी
अरे खुले में जब शौच करोगे खुल के रोग फैलाओगे तो भाई बीमार पड़ोगे सब संग। तो क्या करें? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो ही लाओ अपनी मुंडी, शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। आलोक, अरे सोहन यार, मेरे घर में सभी लोग सोलर रूफटॉप सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं। क्यों, तुम्हारे घर में सोलर रूफटॉप सिस्टम नहीं लगा? नहीं, हमारे बिल्डिंग में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगे हैं, जिससे बिजली का बिल भी कम आता है और सरप्लस बिजली बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। वाओ, मैं भी अपने घर के लोगों को बताऊंगा। अपने घरों सोसाइटी में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने के लिए भारत सरकार की आर्थिक सहायता का लाभ उठाएं, अपनी बिजली खुद बनाएं, सौर ऊर्जा अपनाएं। झाड़ी के पीछे पेड़ के नीचे तालाब के आजू पटरी के बाजू, करते हो तुम पेट हल्का ना शौचालय ना है नलका, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर। अरे इसीलिए बॉस शट द डोर। मतलब दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। अरे खुले में जब शौच करोगे खुल के रोग फैलाओगे तो भाई बीमार पड़ोगे सब संग। तो क्या करें? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो ही लाओ अपनी मुंडी, शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। एक गेम चेंजर क्रिएट करता है पाथ ब्रेकिंग माइलस्टोन्स। जीएसटी सुगम व्यापार को दे नए आयाम। एक गेम चेंजर को होना चाहिए फास्ट। जीएसटी एक सरल और बेहतर टैक्स सिस्टम। गेम चेंजर वो है जो बदले आपकी तरफ दुनिया का नजरिया। जीएसटी बनाए अर्थव्यवस्था को व्यापार के अनुकूल। जीएसटी एक गेम चेंजिंग पहल। जीएसटी एक राष्ट्र एक कर एक बाजार। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। आयुर्वेद के रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? हमारा आयुर्वेदिक रिसर्च काउंसिल है और वहाँ रिसर्च के बारे में कम से कम 31 सेंटर हमारे रिसर्च के हैं पूरे देश में, और वहाँ एक एक विषय को लेके एक एक रोग को लेके हम रिसर्च कर रहे हैं। आप तो जानते हैं कि डायबिटीज के प्रति हमने एक मेडिसिन हमने डिक्लेयर किया है, वो आयुष 82 करके, उसको आईएमई 9 भी करते हैं, 4-5 कंपनी को उसका प्रोडक्शन के लिए दिया है, और डायबिटीज़ के ऊपर इतना वो मेडिसिन असर कर रहे हैं, आज इतना डिमांड है उसको, इस तरह का रिसर्च करके लोगों को अच्छा मेडिसिन लोगों को देने का कोशिश हमारी इस रिसर्च सेंटर के रिसर्च माध्यम से है। जैसा मैंने कहा कि कैंसर के ऊपर भी हमारा रिसर्च चल रहा है, और बाकी जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है उसके लिए एक अच्छे से अच्छी दवा तैयार करने में हमारे साइंटिस्ट हमारे डॉक्टर लोग लगे हुए हैं। लेकिन आयुर्वेद और नेचुरोपैथी माना जाता है कि कॉस्टली है थोड़ा सा, तो क्या जीएसटी आने के बाद इसके दाम में कुछ कमी होगी या मुझे आशा है कि जीएसटी आने के बाद दाम कम होंगे, पर कंपेरेटिवली मैं कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेदा हो होम्योपैथी हो या नेचुरोपैथी हो, नेचुरोपैथी में तो औषधि लगती ही नहीं तो महंगा बताने का यही नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कंपेरेटिवली एलोपैथी का जो मेडिसिन है उससे बहुत कुछ सस्ता हमारा आयुर्वेदा और होम्योपैथी है। और मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हेल्थ मिनिस्टर ने जो जेनरिक मेडिसिन वाला जो आज 4,000 दुकान पूरे देश में खोलने का ये किया है, और खाली जो 10 रुपये का जो टैबलेट्स है वो कम से कम 50 पैसा 1 रुपये में लोगों को मिलेगा, ताकि जो कुछ आज लोगों को ज़्यादा लगता है वो जेनरिक मेडिसिन द्वारा हम लोगों को सस्ती दवा पहुंचाने का काम करें। होम्योपैथ को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है? स्कूल हेल्थ जो है इसमें होम्योपैथी का बड़ा काम चल रहा है,
बच्चों को भी वो मेडिसिन जो हो उनके उनके रुचि वाला ही मेडिसिन हो जाता है, और उन्होंने बहुत अच्छा काम इसका किया हुआ है। हाल ही में सर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था होम्योपैथ को लेकर के, तो उसमें क्या कुछ निकला? क्योंकि बात हो रही थी, डॉक्टर ये कह रहे थे कि कुछ साइंटिफिक डाटा हम लोग कलेक्ट करेंगे उसके लिए हम कुछ। हाँ, इसके लिए वो रिसर्च के लिए भी हम पैसा आयुष मंत्रालय होम्योपैथी काउंसिल को बाकी सबको हम पैसा दे रहे हैं, और ये साइंटिफिक बेसिस पर सब होना चाहिए ताकि हमारे लिए अच्छा है आगे। जब हमारे साइंटिफिक बेस पर हम मेडिसिन तैयार करेंगे तो लोगों को वो मानना ही पड़ेगा। आज जो लोगों के मन में जो डाउट्स है वो डाउट्स कभी आना नहीं चाहिए, इसके बारे में हम सतर्क है, और जो कुछ मदद होम्योपैथी हो आयुर्वेदा हो जिसको मदद चाहिए वो आयुष मंत्रालय हर रोज तैयारी रहे। यूनानी और सिद्ध एक जो पद्धति है उसको लोकप्रिय करने के लिए क्या किया जा रहा है? ये तो पद्धति एक आयुर्वेदा का ही भाग है, लेकिन कहीं से यहाँ से कुछ और जगह जाके आ गई और इसलिए यूनानी पड़ गया, लेकिन मेजर जो कंपोनेंट है वो आयुर्वेदा का कंपोनेंट है। अपने अपनी तरह से वो ठीक है, लेकिन यूनानी जो है तो कई राज्यों में उसका अच्छा काम है, जैसा बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, इसी तरह का यूपी में हो, तो वो अच्छा चलता है, उसको हम सपोर्ट करते हैं। उसका अपग्रेडेशन, कई इंस्टीट्यूशन का अपग्रेडेशन हमने किया हुआ है, लेकिन सिद्धा जो है खाली एक नॉर्थ में सॉरी साउथ में सीमित है। साउथ के हमारे जो राज्य है तमिलनाडु हो या केरला, वहीं छोटी इसमें है, लेकिन वहाँ भी हमारा सिद्धा का इंस्टीट्यूशन वहाँ काम अच्छी तरह काम कर रहा है, और वहाँ लोगों को अच्छी दवा और अच्छा ट्रीटमेंट देने का प्रयास वो सीधा कर रहे हैं। कौन कौन से ऐसी बीमारी हैं जिन पर रिसर्च आयुष मंत्रालय कर रहा है जिसका रिजल्ट कुछ दिनों में आएगा या आने वाला? या सभी रोग, मेजर जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है उसके ऊपर तो हमें ज़्यादा फोकस किया, जो डायबिटीज़ हो डायबिटीज के ऊपर ज़्यादा फोकस है। इस साल में जो ईयर माननीय प्रधानमंत्री जी के इससे जो ईयर डेडिकेट हुआ था इसमें कम से कम कई लाखों पेशेंट को का स्क्रीनिंग हो गया, और कम से कम कहीं इसके ऊपर रिसर्च अलग अलग योगा में योगा से रिसर्च चल रहा है, आयुर्वेदा से उस पर डायबिटीज़ का रिसर्च चल रहा है, जैसा मैंने कहा IM9 हो या आयुष ATT हो, इस तरह का वो मेडिसिन लोगों को हम दे पाए। और इसी तरह हम चाहते हैं कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है जो हमारे लिए थोड़ी सी चैलेंज है, इसके ऊपर हमारा पूरा कैंसर के ऊपर हो, जैसा मैंने कहा कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, ऐसे जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है उसके ऊपर हम हमारी रिसर्च शुरू है। और बाकी जो है सीजनली जो कुछ डेंगू हो या मलेरिया उसके ऊपर तो हमारा मेडिसिन अच्छा प्रभावशाली मेडिसिन आयुष के जरिए हम लोगों को उसी समय बांटते हैं। भ्रामक विज्ञापन कई बार लोग करते हैं आयुर्वेद के नाम पे या किसी भी नाम पे कि इस बीमारी का इलाज इसमें मिलेगा, उसको लेकर के रोकने के लिए क्या कोई कानून? हाँ, है जरूर जरूर। आप तो जानते हैं कि आयुष मंत्रालय यहाँ और राज्य सरकार की मशीनरी इसके ये है, और हमने जो एडवर्टाइजिंग काउंसिल ऑफ इंडिया से गठजोड़ किया है, एग्रीमेंट किया हुआ है, और इनके जरिए कई यदि कुछ रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट आ गया तो तुरंत उसके जरिए हमें यह पता चलता है, और हमारे जो फार्माकोपिया इसके आधार पर जो कुछ गलत है उसको हम राज्य सरकार भी और बाद में हम भी जहाँ ज़रूरत पड़े तो आयुष मंत्रालय भी उसमें भाग लेते हैं, और तुरंत उसका हम सोल्यूशन निकालते हैं। जिनको शिक्षा देना है वो भी शिक्षा उसी तरफ से जो रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक उनके ऊपर कार्रवाई होती है। MBBS BDS के तर्ज पे क्या कोई आयुष मंत्रालय भी नीट की तरह कोई एग्जाम कंडक्ट करेगा? हाँ, ताकि भ्रष्टाचार जरूर जरूर। इस साल में हमने नीट की एग्जाम शुरू कर दी है। कई राज्यों ने डिमांड किया था कि हमारी तैयारी नहीं है, 3 महीने में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने कई राज्यों को हमने एग्जामिनेशन दिया है, तो नीट की परीक्षा इस साल से शुरू हो गई है, अगले साल के सभी राज्यों के लिए वो कंपलसरी हो जाएगा। आयुष मंत्रालय का बजट कम है और बुनियादी सुविधा भी कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं? जरूर, आप जो कह रहे हैं वो सही है, और मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि इस साल उन्होंने हमें बजट बढ़ा के दे दिया है। हम चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में 50-bedded आयुष का 50-bedded हॉस्पिटल हो, इसलिए हमें ज़्यादा पैसा लगेगा, और अपना
काम तो अच्छी तरह से शुरू हुआ है। तीनों सालों में ये जो ढाई सालों में जो कुछ बजट आ गया वो हमने अराउंड अबाउट 95% से 98% खर्चा किया है, और भी बजट की ज़रूरत है। हम लिखते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को, प्राइम मिनिस्टर को, कि जितना बजट बढ़ेगा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा कर पाएंगे, और निश्चित तौर से इस साल से बजट बढ़ाने को शुरुआत हुई है। एम्स इन आयुष जैसे इंस्टीट्यूशन हम बढ़ा रहे हैं। हम नेचुरोपैथी के इंस्टीट्यूशन पुणे में कम से कम 500 करोड़ का इंस्टीट्यूशन हम वहाँ बना रहे हैं। गोवा में हम ऐसा ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा योगा नेचुरोपैथी का इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं। अपने हरियाणा में भी एक इंस्टीट्यूशन, ऐसे 5-6 इंस्टीट्यूशन हम बना रहे हैं ताकि लोग इसका उपयोग सही तरह से हमारे आयुष सिस्टम का ले, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू होना चाहिए। और इसलिए हमारी बजट की मांग है, मुझे आशा है कि अगले बजट में निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जो कुछ कमतरता है वो कमी निश्चित तौर से पूरी की जाएगी। एलोपैथिक और जो आयुष है उसमें कई बार डॉक्टरों में कन्फ्लिक्ट होता है कि वो मानते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो कहते हैं कि वो ठीक नहीं है, बट ऐसा कोई इंटीग्रेटेड सिस्टम आप बना रहे हैं जिसमें टारगेटेड कई क्रॉनिक बीमारियों का इलाज आयुर्वेद में है, होम्योपैथ में है। ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो होती है लेकिन उसमें बहुत कमी आ रही है। आज हम किस लिए बैठे, एलोपैथी हो, आयुर्वेदा हो, आयुष हो या होम्योपैथी हो, आखिर ये पेशेंट के लिए है ना। जो कुछ पेशेंट के लिए जो बेस्ट है वो हम पेशेंट जल्दी ठीक हो, इसीलिए जो कुछ कारगर है वो हमें उसको देना पड़ेगा। इसीलिए बहुत जगह हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में भी, हमारे एम्स भी ऐसा एक इंटीग्रेटेड ब्लॉक हमने सेंटर किया हुआ है ताकि सभी डॉक्टर बैठते हैं और पेशेंट को कौन से पैथी में से कौन सा मेडिसिन अच्छा है वो उसको दे देते हैं। वो अभी काम शुरू हो गया है और यही एक अच्छा इलाज होगा कि पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा ताकि जो बेस्ट है जो उसको मिलेगा। और आज जो भ्रम है मेरा अच्छा है आपका अच्छा नहीं, ये अब दूर होने लगा है और आगे जाके सभी पैथी एलोपैथी के साथ सभी पैथी आज एक साथ बैठ के इसके ऊपर विचार करें। जो अमृता हॉस्पिटल केरला में, उन्होंने पहली बार, मैंने उसका इनॉग्रेशन इंटीग्रेटेड एक ब्लॉक शुरू किया था, ये सिस्टम शुरू की थी हमने। अभी बाकी यहाँ एक मेदांता हॉस्पिटल है वहाँ भी चल रहा है, एम्स में भी चल रहा है। और इसीलिए हमने एक प्रयोग भी किया है, एक पायलट प्रोजेक्ट ले लिया है कि कहीं 10 राज्य हमने ले लिया, उसमें से एक एक डिस्ट्रिक्ट ले लिया और प्राइमरी हेल्थ सेंटर के द्वारा हम एक जगह में योग तो सबके लिए कंपलसरी किया है, एक जगह योग रहेगा एलोपैथी रहेगी आयुर्वेदा रहेगा, एक जगह योग रहेगा एलोपैथी रहेगी यूनानी रहेगी, जहाँ जहाँ वो चाहिए। ऐसे सभी हमारे 35 को, एक एक 35 को हमने इसमें डाला हुआ है और ये सब लोग मिलके प्राइमरी हेल्थ सेंटर के द्वारा सभी का पूरे पूरे गांव का स्क्रीनिंग करते हैं, उसके एरिया का स्क्रीनिंग करते हैं और जब उसको लगता है कि कोई क्रॉनिक हो तो आगे रिफ़र कर देते हैं, कहीं को उसको लाइफस्टाइल बदलने की एडवाइस देते हैं। और डायबिटीज जैसे रोग, डायबिटीज़ हो या कैंसर हो, जो पहले फेज में यदि हम उसको समझ पाए तो उसकी ठीक होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये प्रोग्राम जो इंटीग्रेटिव प्रोग्राम हम अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने ये करने का शुरू किया है। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए क्या किया जा रहा है, चाहे वो मेडिसिन प्लांट हो या फिर दवाओं का हो? जी जी। और दूसरा सर मेरा इसी से जुड़ा सवाल है कि जो किसान है वो हर्बल प्लांट्स लगाएं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए क्या कुछ किया? जरूर, हमारे यहाँ जो एक हमारे आयुष के ब्रांच है, नेशनल बोर्ड फॉर प्लांटेशन फॉर मेडिसिनल प्लांट, उसका एक खास हमारा बजट है और ये बजट हम राज्य सरकार का डब्ल्यूजी जो मेडिकल प्लान जो है आज धीरे धीरे वो थोड़ा गायब हो रहा है, उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस दे रहे हैं और आगे जाके वो हमारे आयुष का रॉ मटेरियल बन जाएगा। और इसलिए जो फंड है हम राज्यों को देते हैं, यदि कोई एनजीओ चाहता है कि वो कुछ 1-2 करोड़ का प्रोजेक्ट करे प्लांटेशन का, इन एनजीओ को भी हम स्क्रीनिंग करके देते हैं। ये हमारी व्यवस्था इसलिए है कि आगे जाके जब हमारे रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी तो रॉ मटेरियल कई सालों में हमें मिलेगा और इसके लिए हम 90% पैसा हमारा नेशनल प्लांटेशन बोर्ड देता है, मेडिसिनल प्लांटेशन बोर्ड देता है और 10% का अरेंजमेंट तो उन्हें, सभी तो 100% तो दे नहीं सकते। और ये स्कीम हमारी अच्छी चल रही है, कहीं कहीं बहुत से मेडिसिनल प्लांटेशन हो गया है और आगे जाके हम उसका और भी बढ़ावा देने की हमारी कोशिश है। पेटेंट का एक इशू है कि हमारा जो विरासत है
हमारी विरासत को संरक्षण मिले और उसका पेटेंट हो, तो उसको लेकर के क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? हाँ, हमारे पेटेंट के बारे में काम जो है वो ऑलरेडी हमारा जो इसमें जो एक हमारी बैंक है उसकी, कि ये जो मेडिसिन है वो आयुर्वेदा में इसमें यह है, वो दूसरे को हम नहीं दे, जब भी किसी ने किया हुआ तो हमने वो वापस करने में हम कामयाब हुए। जैसे हल्दी पर पेटेंट कर दिया, नीम पर पेटेंट कर दिया था फॉरेनर ने, वो तुलसी पर कर दिया था, वो सब ने हमें विड्रॉ करने के, ये तो हमारे हमारी विरासत है, आयुर्वेदा हमारी विरासत है। और ये कई सालों से, जब कई चीज़ 200 साल क्रॉस करते हैं उसके लिए कोई पेटेंट की तो ऐसे तो ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारे आयुष्मय का जो कुछ ये है वो कई बाहरी देश जो है कि या कोई वो पेटेंट नहीं कर, आगे नहीं कर पाएंगे। और इसलिए हम भी चाहते हैं कि जो जिस पर ऊपर बना नहीं बना हो वो भी पेटेंट बनाने का काम हमारे वो से शुरू है। और योग, आयुष मंत्रालय में सिर्फ योग को ज़्यादा ऐसे लगता है कि तवज्जो दी जाती है, तो योग के बाद आगे क्या होगा? और दूसरा, चुनौती आप क्या मानते हैं अपने मंत्रालय में? योग एक हमारी विरासत है, हम पूरे दुनिया को जो कुछ हम दे सकते हैं वो योग हमने दे दिया है। और आज पूरी दुनिया खुश है कि योग के जरिए उनकी सेहत, उनका हेल्थ ठीक हो रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हर साल में कम से कम 30% लोग जो है योगा की ओर बड़े हैं, आ रहे हैं, योगा कर रहे हैं। और इसलिए जैसा हमने योगा की ओर से दिया, आगे हमारी बाकी जो पैथी है वो बाकी पैथी भी हम आयुर्वेदा हो, यूनानी हो, वो भी आगे करने की हमारी कोशिश है। और ये कोशिश में जैसा आपने कहा, हमारे सामने चैलेंजेस यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, हर जगह बढ़ाना चाहिए, और रिसर्च ठीक तरह से, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च ये हमारे लिए आगे चैलेंज है। और इसके ऊपर भी हम अमल कर रहे हैं, बहुत इसमें से रिसर्च शुरू है। और हमारे नए नए इंस्टीट्यूशन भी हमें बनवाने का काम हमारा हो रहा है। आप रेगुलर योग करते हैं? हाँ, काफी तो लंबे बहुत सालों से। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जरूर जरूर, मेरा जो सबके एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार खाना ना खाए तो भी चलेगा, लेकिन योग जरूर, एक 10-15 मिनट आधा घंटे का योग जरूर कीजिए। जो आसन है जो अपने हेल्थ के लिए, जो इतना एक आपने आधा घंटा किया ना, तो आपने जो कुछ एनर्जी आपको पूरे दिन में चाहिए वो एनर्जी आप क्रिएट कर पाएंगे। जो बेसिक एनर्जी खर्चा नहीं कर पाएंगे, जो क्रिएट करेंगे वही खर्चा करेंगे, आपका बैलेंस वैसे के वैसे रहेगा और अपनी सेहत भी ऐसे के वैसे रहेंगी। इसलिए मैं सभी को आग्रह करता हूँ, योग दिन जो हम मनवा रहे हैं इसका मतलब ये है कि सभी को योग का महत्व जो है अच्छी तरह से वो जान पाए और खुद उसकी उसका इम्प्लीमेंटेशन करे। यही सबके सबके लिए मेरे हमारे देशवासियों को, पूरे दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए मेरी एक प्रार्थना है कि आप एक बार योग करके देख दीजिए, बाद में आप कभी भी उसको भी छोड़ेंगे नहीं, और आप निश्चित एकदम अच्छे नागरिक, स्वस्थ नागरिक की तरह अपना जीवन बिताएं। डीडी न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।